स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 10 अप्रैल, सी 5 मई, डी 15 जून। आंसर बी 10 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में हुआ था। उन्होंने 1796 में होम्योपैथी की खोज की। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? ए 10,000, बी 30,000, सी 40,000, डी 50,000। आंसर डी 50,000। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। ये पहला मौका है जब ओलंपिक खेल इवेंट के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इसे साल 2028 लॉस एंजल्स में सभी 3 पदक विजेताओं के लिए विस्तारित किया जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ए लखनऊ, बी भोपाल, सी रांची, डी वाराणसी। आंसर सी रांची। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और ओडिशा पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ए स्वर्णभूमि संगीत अकादमी, बी संगीत नाटक अकादमी, सी आईफा, डी वैश्विक संगीत संस्थान। आंसर बी संगीत नाटक अकादमी। एक्सप्लेनेशन, संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन करेगा। शक्ति उत्सव का शुभारंभ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। अगला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मनोज पांडा, बी अमिताभ कांत, सी राजीव कुमार, डी राजमोहन सिन्हा। आंसर ए मनोज पांडा। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अभी तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंडरिया है।